एक और बड़े मजेदार वाक्य याद आया के एक नमुरदार साहब है ना, उन्होंने त्रै पुत्रे, दो बड़े पुत्रा का ब्याह हो गया ते और नौ आगे जिया, एक नौ सुबह 11 बजे उठती है सुती थी, एक नौ उन्होंने उठती है 1 बजे सुती थी उठी थी। नमुरदार साहब उन्हें परेशान होए, उन्हें रख दी नौकरानी रोटी वास्ते, वो आँदी है पकाती है खाती है इन्हों की देती है, तो ये जुलते रहने। तो निका हूँ पुत्र रह गया नमुरदार, पहले जिड़िया ब्याह किए थे उस आखिर मैं अपनी नमुरदारी शो कर सा, तो नमुरदारा बचो ही कर सो गुजड़िया आई वह भी सुथनिया मिली है सा, तो ये भी बड़ा परेशान ये समझू किया कि ऐसा है खलो में निके पुत्र इससे किसी खानदानी अच्छे पढ़े लिखे शरीफ खानदान में जो कर सा, जेड़े लोग मुअज्जज हो सुन अच्छे लोग हो सुन। उस एक बहली कुड़िया आ है यार पुत्रे मेरे निके का रिश्ता मांग, उस निके पुत्रे तो उसका रिश्ता मंगया, वो गई ते रिश्ता हो गया ब्याह होया कुड़ी घर आ गई, ते दूआ त्रीया धड़ा ते बड़ी जठाणी आई निकी आई, पहले निकी आई उस आया ओ हो तेरे प्यू दे तू तो कोई जिता ही नहीं, ये देख मेरिया बंगा, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना, ये ते मैं पिछों नाल के निके आई हाँ माऊ प्यू को लो चाची ये मैं पिछों ही नाल के निके आई हाँ बाजी बस हूं मैं आ रही है मेरा हूं उस घरे में दिल नहीं लगता, मैं हूं उस घरे मुड़ के ना जुलगी उस घरे अब जी बड़े परेशान प्यू पालिया उस है बच्चा जी दे वजह नहीं बंदे का दिल पाक सा ते खुला होना चाहिए, तू अपने किरदार नाल दस ठीक है ना, क्या ख्याल है शाह जी किरदार जो है ना किरदार वो तलीम और तरबियती हाँ उसको कास कर जाता है कास ही करता उसकी इंजू है वो कुड़ी ठीक है गई बह दो उस कुड़ी देखे अपने जो रूटीन के हिसाब से सुबह 4 बजे उठी वजू शेजू बढ़ाया तो त्रै दिन नमाज पढ़ी तहज्जुद पढ़ी सबो कुरान की था क्योंकि पढ़े लिखे घराने में ही नाले दीनदार घराने में ही एक दिन सुबह उस देखे कुड़ी उठी है जी कमे वाली आई है फटोफट छाल मारी इसके चुनबे वो जो है बुरचहाने में फटोफट रोटी पकाई नमोदार अगे रखी जिंजू आई समझ चुकी थी। दूए दड़े उस कुड़ी देखे त्रीए दड़े गई वो अपने सोहरे बाबे को आखे अबा जी मैं आनी हाँ कि यह जी सा नौकरानी आती है ये काम पे ही करे कि झुंदा सारा काम मैं करा, मां थोड़ा शक है कि पता हाथ धोंदी है नहीं धोंदी खाने पकाने में जैसे मामला अच्छा जी के जे है के जी नहीं के कंडीशन है के कंडीशन नहीं है इसकी बड़ी वो परेशान जी सोरे देख सोरे दियां ते अखा खोल के जुड़ियां बड़ियां आई नंबरदारा के घरों वो देखो सुती दियां भी नहीं उठतियां एक कुड़ी 4 बजे उठी है तहज्जुद पढ़े नमाज सबो रोजा कीता सापड़ा है जी मां इतनी सुनी इस गल घर छोड़ी सारा सिस्टम होया जी ते नमुरदार साहब है ठीक है बच्चा छोड़ो अच्छी गल से कोई नहीं उस सोहरा बाबा उठे उस कुड़ी के सिरे ते हाथ रखे साढ़े जिंजू रवाज है जी के हाल है बड़े बड़े रे शाह जी बच्चिया के सिरे ते हाथ रखते बड़ा खुश होया कुड़ी उठी है सुबह सवेरे किचन बिगड़ती गई थे फटोफट उन्होंने कराने तोड़ते ओ बीबी जी तुसी ना करो है उस है ना क्यों ना करो वो नौकरानी आप ही परेशान की कदे मकट छोड़ने दे मैं की कर सा उस है नहीं तू बाकी अपना जरा भारी टाकी पोचा जो कुछ है तू करके ये काम मेरा ही है मैं खुद कर सा उस है ठीक है भरी सोनी सुबह सोरे के चार रखी इस पराठा जिजू मकुट छकुण दे रखा डैणे आ गए को कणक दे ते तुसा पता फिर नमरदारा दियां देगा जिमियां शिमियां ठीक हो गया नमरदारे बना ला के दी खुंडी पाग लाई सिरे ते बुढ़िया के दे जुंदे रे अपने डोगे शोगे में ताशा कपते थे नुआ सुन के की दहाड़ी भला सोनिया लाइया तंदूरे ना रोटियां शाह जी बकरे का पेड़ा के दस दोलची बिचो ताजी लस्सी बना के कट गए नाल दाल चाल के दीस भला सोना आप पलेटिया रोटी का टोकरा रह सिरे दे उस निकी नुआ इतने पे बाल्टी चाहिए वह जुलती रही है खेत भला सोना आप प्लेट पलाट के है जी आप परदे बच हो गए तो गुरदार देख तो उसके अखा खुल गई चंगी नो बयान दी सही चंगे लोगों में आ गई बड़ा खुश
नंबरदार बड़ा खुश होया ते और उस निकी नुआ दी जड़ा है ते जगह जगह ते मलेलिया कुड़िया जी वाह बीबी जी सारे लोगों नाल जड़ा है ते बड़ी खुशी मले दे लोग उस तरह कुड़ी नाल खुश मले दिया कुड़िया खुश क्योंकि दुनिया के बारे में जो सुती दिया नहीं उठती है इस मले में गैदरिंग भी अच्छी हो गई करनो करनो इना बढ़िया जिठानिया दे है ये ना पैर इस ते आन के इज्जत अपनी बढ़ा के दी है क्या ते हो लेकिन हुआ है नहीं अपनी इज्जत बढ़ा के दी सारा सिस्टम हो गया फिर कुछ अरसे बाद जो है बड़ी को निकी जिठानी जी है सोरे आती है अब्बा जी मैं आनी है बच्चों की जितनी पढ़ाई की फीस मसला है बच्चे ट्यूशन पढ़ने जुड़ते हैं घरे के सारे बच्चों में घर बह के पढ़ावा ते नाल आनी है ये जी कुड़ी निकी नुआ दे ते मथे लग गया है पर जहाना ते मैं आनी है जो बर्तन गंदे होने ये सारे में खुद धोया करा सरदार बड़ा खुश हो गया यार है जी मेरी जठानी भी जड़ी है वो भी बड़ी हो गई बड़ी जठानी भी मेरी कमियां लग गई है पर तू दूसरा है बच्चे जी कोई मसले की गल नहीं है घरे की गल है वो भी निकी नाल उठने लग गई सुबह सवेरे उठती है भला पोचा शोचा मार दी कर दी बड़ी चेटी शर्मे ना लाखे ना दिल दोस्ता करे और काम करने का एक दू हो खत्म खत्म आला होया निकिया दोवे की बड़ी वैल्यू बड़ी है किसी पूछे ही ना कुछ दिहाड़े बाद बड़ी भी आया उस आया बाजी घरे जितना भी हूं जिम्मेदारी उसी ना मेरे ना मिल के कर सा मेरे ना मिल के कर सा नंबरदार बड़ा खुश उस बड़े बकरे कुपाए उस है जी मेरा घर भी जुड़ गया है एक मुठी हो गया आखने का एक कहानी सुनाने का मकसद के आ कि कुछ खानदानी और ऐसे नस्ली लोग जड़े होने ना वो ऐसी किसी ग्रुप ऐसी किसी खानदान ऐसी किसी पार्टी या ऐसी किसी गैदरिंग में आ जुलते वो बिखरे हुए लोगों के जोड़ के जोड़ देते अच्छा जी ऐसे 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 जोड़ देते हैं मजबूत कर छोड़ देते कुछ ऐसे लोग भी होते कि जड़े त्रुटे हुए दूर दूर लोगों को इंजू जोड़ छोड़ देते बिल्कुल मजबूत कर देते हैं ठीक है और कुछ ये तुसी कार कार का है मसला कि कुड़ियां आ रही हैं दूजे दिन ही करन पता कि सड़ी रवायत वगैरह नहीं है ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਥਾ ਰਵਾਇਤ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮਨਸੂਬ ਜਨਤੀ ਵੱਲਾ ਯਕੀਨ ਮਾਨੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਹਿ ਨਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿ ਨਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਘਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਛੋੜਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਯਕੀਨ ਮਨੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰੋਟੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਫਲਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਫਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਰੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਨਾ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜੁਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਬਦਨਸਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਬਦਨਸਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੀ ਤਰੋੜ ਕੇ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਟ ਗਿਆ ਜਗ ਇਹਦੇ ਮਗੇ ਨਾ ਲੱਗ ਇਸ ਲਾਣੀ ਠੱਗ ਇਹ ਠੱਗਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਸਲਾ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚੋਕਾ ਕੀਤਾ ਸਜਣ ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਡੰਗ ਹਰ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਮੀ ਦੇ ਤੋ ਬਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡੋਲ ਨਵਾਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਤੇ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਸਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੋਸਮ ਖਾਨ ਜਦੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਫਤਬਾਤ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਦੇ ਨਾਰਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਫਤਬਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੀ ਨਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਸਾਂ ਰਾਜਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦ ਤਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ ਹਸਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।